तो दोस्तों नमस्कार। पहला क्वेश्चन है, आई एफ ओ ए एम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ए नंबर का, जैविक कृषि आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय संघ, ए नंबर का दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों अपना, आई एफ ओ ए एम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 बी नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक खेती का प्राथमिक सरोकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, मिट्टी की जैविक रखने के लिए, मिट्टी को जीवित रखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक खेती के बारे में कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य है दोस्तों, इसमें से हो जाएगा हमें मिट्टी खिलाती है, बी नंबर का दोस्तों, हमें क्या करती है, मिट्टी खिलाती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक खेती में किस प्रकार के खनिज की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आघूलनशील, बी नंबर का दोस्तों आघूलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक खेती के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह एक सतत प्रक्रिया है, सी नंबर का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक खेती प्राकृतिक से जो हम लेते हैं उसे वापस लौटाने का मामला है, यह कहावत है दोस्तों, तो क्या कहावत है दोस्तों, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, फैटी लान 1990 में, ए नंबर का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक खेती का उद्देश्य क्या है? तो इसका दोस्तों जैविक खेती का जो उद्देश्य है दोस्तों, पहला है पर्याप्त मात्रा में पोषक युक्त भोजन उत्पादन करना, दूसरा है मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखना, और तीसरा है दोस्तों परागण से संबंधित स्रोत से बचाने के लिए। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ये सभी अपने जैविक खेती के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक खेती की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता संसाधनों का सतत उपयोग करना है, सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, आप जैविक खेती में अकार्बनिक उर्वरक का उपयोग कैसे करेंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पूरक घटक के रूप में करेंगे दोस्तों, एक पूरक घटक के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा जैविक खेती का घटक नहीं है? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा सिंथेटिक कीटनाशक, यानी कि बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? क्यों एक सूक्ष्मकीटनाशी कीटनाशक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिलस यूरीथिजिनियस, ए नंबर का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, आप पोषक तत्वों की हानि को कैसे सीमित करेंगे? तो कैसे दोस्तों सीमित करेंगे अपन, इसका कचरे का उपयुक्त पुनर्चक्रण, पोषक तत्वों की रिहाई और ग्रहण को नाश करना हो जाएगा दोस्तों, और जैविक कचरे की उचित प्रबंधन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना डी नंबर का, उपरोक्त में से सही, उपरोक्त में से सही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी भारी जैविक खाद है? तो दोस्तों इसमें एक खेतों की खाद, दूसरा है हरी खाद, तीसरा है तेल केक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ये सभी, ऊपर की सभी, डी नंबर का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोबर की खाद में नाइट्रोजन फास्फोरस एवं पोटास की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5।
और 0.3 ई नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गाय का गोबर प्लस मूत्र प्लस कृषि अपशिष्ट कितने दिनों के बाद फार्म यार्ड खाद के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं? कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से 120 दिन, सी नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपोस्टिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों? स्वचालित रूप से गर्म करने वाला, दूसरा दोस्तों एरोबिक जैविक, और तीसरा थर्मोफिलिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों, ऊपर की सभी, डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोयाबीन एक्यूलेट कौन सी हरी खाद की फसल है? तो कौन सी है दोस्तों? बी नंबर पर तैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरी खाद की फसल के बारे में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है दोस्तों? इसमें पहला, हरी खाद के पौधों में पौधों मिट्टी की निचली परत को पोषक तत्व ग्रहण करती हैं। दूसरा है, यह मिट्टी और की जैविक खाद की स्थिति को बनाए रखता है, और यह मिट्टी को हल्का बनाता है दोस्तों, और पोषक तत्वों के निरीक्षण को रोकता है। ये सभी दोस्तों जो अपने, यानी कि इसका सभी राइट आंसर ऊपर के सभी दोस्तों हो जाएगा, डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,